हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरि कंपटीशन एकेडमी में। जैसा कि कल हमने क्लास में देखा था कि किस प्रकार से जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था, ठीक है। आज की क्लास में उसी का एक एडवांस पैटर्न लेके आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखिए 40 सेबों को बेचने पर 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि आप कल के क्वेश्चन को रिमाइंड कर पा रहे होंगे तो कल हमने देखा था कि 40 सेब का विक्रय मूल्य 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं जहां पे आप प्रॉपर देखोगे तो, जैसे मैंने अभी चार क्वेश्चन लिया हुआ है, उन चारों क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिख रहा होगा। यहां पे क्या बोला गया, हानि होता है। सेकंड टाइम में आपको बोला गया लाभ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहां भी लाभ होता है, और फिर से अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो यहां भी लाभ होता है, ठीक है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिल रहा था कि 40 सेब का क्रय मूल्य जो है वो 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हो, या फिर 8 कलम का जो विक्रय मूल्य होगा वो 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिला था। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको लाभ या हानि के रूप में दिया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हम लोग पढ़ते आए अभी तक लाभ, तो लाभ कब होता है आप सबको पता होगा, विक्रय मूल्य का मान जब क्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग लाभ बराबर लिखते हैं SP माइनस CP, या फिर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। यदि हम लोग हानि की बात करें तो हानि में हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, इसीलिए ये जो अंतर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का होता है, ठीक है। बस इतने को ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैंने आपको पहली क्लास में एक की पॉइंट बताया था जिसको आप हमेशा याद रखोगे कि लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना कब की जाएगी, जब वस्तुओं की संख्या समान हो। जब वस्तुओं की संख्या समान हो तभी जाकर आप उसका लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिकी वे में बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। बेसिक के लिए जैसे मैंने कल आपको बताया था वही पैटर्न यहाँ पे बेसिक के लिए यूज होगा, ठीक। बस उसमें थोड़ी चीजें हैं जो आपको जोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 40 सेब को बेचने पर 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हानि लिख रहा हूँ, ठीक है। हानि तो हानि कितनी की हो रही है आप देख लीजिए, 10 सेब के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 10 सेब का क्रय मूल्य, उसको मैं डायरेक्ट सिंपल टर्म्स में लिखा 10 CP, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं तो हानि का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दोनों में से देखिए किसका डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से देखने पर हम लोग को क्या बोला गया, 40 सेबों को बेचने पर, इसका मतलब है कि 40 सेब का विक्रय मूल्य या फिर SP आपको दिया हुआ है, ठीक। तो एज इट इज फॉर्मूला के टर्म्स में हम लोग नीचे रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 40 SP, ठीक है। अब CP माइनस होता है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, लाभ या हानि की गणना जब वस्तुओं की संख्या समान होती है। तो इसीलिए वो 40 सेब को कब बेचेगा, जब वो 40 सेब खरीदा होगा, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग क्या लिख लिए, 40 CP माइनस 40 SP बराबर आपका हो जाएगा 10 SP, देखिए सॉरी 10 CP, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिखे, हानि का जो मान होता है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हम लोग को दिया हुआ था कि 40 सेब को बेचने पर, इसीलिए हमने 40 SP लिख दिया, और जिसको हम लोग क्या किए 40 CP से माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसी को पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए CP है यहाँ पे माइनस SP है और यहाँ पे CP है, तो CP को इधर ले आते हैं और SP दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, 40 CP माइनस 10 CP इक्वल्स टू 40 SP, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 30 CP और इधर 40 SP। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। यदि आप समझ पा रहे होगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया है, 30 सेब का क्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो बेसिक से बना सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रिकी लगा सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, CP बटा SP बराबर 40 बटा 30,
ठीक है, हम लोग को पता है यहाँ पे अनुपातिक देखने पर सीपी का मान जो होगा एसपी से बड़ा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हानि क्या होगा उसको देख लीजिए। तो हानि हमने हानि क्या होगा उसको देख लीजिए। हानि हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। याद रखिएगा ये 10 रुपए नहीं है, ये क्या है, 10 अनुपातिक हानि हो रहा है, वो उस अनुपात में है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग यदि देखते हैं हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत हम लोग देखेंगे क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है। अब उसी को यहां पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 क्रय मूल्य का मान कितना है, 40 गुणित 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, और इस प्रकार इस सौदे में 25% की हानि होती है, ठीक है। चलिए, समझ आ गया होगा या फिर नहीं समझ आया होगा, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं बार बार आपको वही बोलूंगा जो यहाँ पे की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स को आपको क्लियर करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि की गणना कब होगी, तो लाभ या हानि की गणना जो है वस्तुओं की संख्या समान होने पर ही होगी, ठीक है। वस्तुओं की संख्या यदि समान नहीं है तो आप लाभ या हानि की गणना नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज मैं आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, कि आप उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदे होंगे। देखिए जब आप वस्तु को खरीदे होंगे तभी जाके उसको बेचोगे ना, तो ये जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लाभ या हानि प्रतिशत जब लिखते हैं तो नीचे में हमेशा आपको क्रय मूल्य देखने को मिलता है, ठीक है, जब तक कि हम लोग को ये ना बोला जाए कि लाभ या हानि आप विक्रय मूल्य पर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलिए एक बार और बता दे रहा हूँ इसको, मैं लाभ बराबर लिख लेते हैं कितना है जी, 3 अंडों का क्रय मूल्य, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट 3 CP, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म्स में कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म्स में आप चाहो तो ये सब टर्म्स लिखते चल सकते हो, ठीक है। चलिए लाभ क्या होता है, लाभ हम लोग को पता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अभी क्या दिया हुआ है, 15 अंडों को बेचने पर, इसका मतलब हम लोग सीधा लिख लेते हैं 15 CP, ठीक है, सॉरी। चलिए लाभ को हम लोग कैसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अभी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 अंडों को बेचने पर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 15 SP, ठीक। बेसिक के लिए लिखना चाहोगे तो लिखो, लिखना यहाँ पे 15 अंडों का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 15 वस्तुएं हैं या फिर 15 अंडे हैं, तो 15 अंडों को खरीदना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 CP। यहाँ पे आप बेस के लिए लिखना चाहोगे तो लिखना 15 अंडों का क्रय मूल्य, जो कि बराबर है 3 अंडों के क्रय मूल्य पे, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सीपी को एक तरफ कर लेते हैं, ये इधर चले जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 15 SP, ये माइनस इधर जाके प्लस, 15 और 3 18 CP, यह समझिए, ठीक है। इसके बाद आपका सेम प्रोसेस क्या करेंगे, SP/CP = 18/15, ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। आगे का प्रोसेस आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक लेते हैं, विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा होगा, जिसका मतलब हम लोग को मिलेगा लाभ प्रतिशत, ठीक है, या फिर लाभ की राशि आप लिखना चाहोगे तो अनुपातिक आपको मिल सकता है 18 - 15 = 3, ठीक। लाभ प्रतिशत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 18 में से 15 गया 3, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 15, तो 3/15 × 100, ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितने टाइम्स 5 और ये 20, ठीक। तो इस प्रकार इस सौदे में जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 20%। चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसका हो जाएगा इसका आंसर 20% लाभ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यहां भी आपको बोला गया कि लाभ प्राप्त करता है। चलिए अब सीधा लिख रहे हैं हम लोग, देखिए लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो अभी क्या दिया हुआ है, 33 से बेचकर, इसको मैं सीधा लिखते हुए चल रहा हूँ, 33 SP, तो 33 SP है, तो ये क्या हो जाएगा, 33 CP, और क्या हो रहा है, 11 SP के बराबर
लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, लाभ बराबर दिया हुआ है 11 सेब का विक्रय मूल्य। तो लाभ का मान मैं रखा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसी को फिर से लिख लेते हैं, तो 33 SP ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 11 SP इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 33 CP, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 22 SP ये क्या हो जाएगा 33 CP, दोनों 11 से कट जाएंगे, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक। यहीं पे आप लिखोगे तो SP अपॉन CP इक्वल्स टू 3/2 रख सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा जी, विक्रय मूल्य का मान जब बड़ा होगा तो लाभ प्रतिशत होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3-2 1 अपॉन क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का मान 2 इंटू क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी, ठीक। उसको क्या होता है 50% का लाभ होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपसे भी ऐसे बनने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, फिर से लाभ बोल दिया गया, तो लाभ का हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 150 SP माइनस 150 CP इक्वल्स टू 30 SP, ठीक है। 150 आम का विक्रय मूल्य माइनस 150 आम का क्रय मूल्य बराबर 30 आम का विक्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि लाभ की राशि बराबर हम लोग को दिया हुआ है जो कि 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये दूसरी तरफ, ठीक। तो 150 SP माइनस 30 SP इक्वल्स टू 150 CP, ये ऐसा हो गया, ठीक है। आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 120 SP माइनस इक्वल्स टू 150 CP, ये ऐसा मिल गया, ठीक। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 32 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ठीक है। आपको मिलेगा 4 SP इक्वल्स टू 5 CP, ठीक। आगे जैसे हम लोग लिखना चाहें तो ये SP अपॉन CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4, ठीक। 5/4 मिला, लाभ परसेंट निकाल सकते हैं, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 5-4 1 और यहाँ पे क्रय मूल्य 4 गुणित 100, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25%। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन बिल्कुल है कौन सा 25%, ठीक। तो इस प्रकार इस सौदे में क्या होगा 25% के लाभ होते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से फिर से इस टाइप का एक और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 50 पेंसिलों को बेचने पर 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको और शॉर्ट टर्म्स में ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक। बेसिक तो आपका बनना ही चाहिए, साथ ही आप इनको पढ़ चुके हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन, 50 पेंसिलों को बेचने पर 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, आपको करना है, ठीक है। जैसे हानि होती है, हानि क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य छोटा होता है, इस प्रकार की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 50 CP माइनस 50 SP इक्वल्स टू 5 CP, ठीक। धीरे से आगे और बढ़ते जाएंगे तो इनको और आपको सॉर्ट करना है, ठीक है, कि जैसे अब इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अब डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी बेचने पर यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो आपको इन दोनों राशियों को पहले घटा देना है। जैसे क्या हो जाएगा इसके आगे का स्टेप, 50 CP माइनस 5 CP इक्वल्स टू 50 SP। आप इसी को डायरेक्ट लिखो, जब 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रहा है तो आपको ये पता है हानि मतलब नुकसान, घाटा, ठीक है, कम होने लगता है। तो क्या हो जाएगा 50-5, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 45 CP। अगला क्या हो जाएगा 50 SP, आप इसको डायरेक्ट लिखो क्योंकि लिखा हुआ है 50 पेंसिलों को बेचने पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CP SP इक्वल्स टू 50 45, ठीक है। इतने को हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या होगा, ये देखो क्रय मूल्य बड़ा दिख रहा है विक्रय मूल्य छोटा दिख रहा है, तो जब कभी भी आप लाभ जब कभी भी आप हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए 50-45 5 बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है 50 गुणित 100। जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे
तो 10% हम लोग को मिलेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, कौन सा, 10%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अभी 13 नींबुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, यदि आप इसको समझ पाओगे धीरे धीरे तो ये क्या होता है, अब डायरेक्ट मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, ये होता 65 CP बराबर, 65 और 13 कितना होता है 78, तो 65 CP बराबर 78 SP यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, क्रय मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, चलिए करके एक बार देख लेते हैं। ये 65 CP माइनस 65 SP बराबर 13 SP ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये 65 और 13 78 SP और इधर 65 CP। ठीक है, इतने को यदि आप सॉल्व करते हो तो फिर से आपको CP बटा SP मिल जाएगा, कितना, 78/65। ठीक है, यदि इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक, इतने को यदि हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोग को क्या क्या मिलेगा, CP बड़ा है, SP छोटा है। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग लिखेंगे फिर से तो ये हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका कितना, 6 - 5 1 अपॉन क्या होगा, CP 6 है तो 6 × 100। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 50/3, ठीक, 16:2/3 करके, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा कौन सा, 16 / 2/3% हानि। ठीक, तो आगे के जो दो क्वेश्चन है आप इसको डायरेक्ट देखिए और डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, 40 कलम को बेचने पर 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अभी भी क्या दे दिया, विक्रय मूल्य, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 40 CP बराबर 50 SP। आप करके एक बार बिल्कुल देखिएगा इसको। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, CP/SP बराबर 50/40। ठीक है, यदि आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये 5/4, हानि प्रतिशत देखेंगे तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 5 - 4 1/5 × 100, इसका आंसर आपका आ जाएगा 20% हानि। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CG व्यापम द्वारा आयोजित अमीन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी भी आपको बोला गया 4 संतरे का विक्रय मूल्य, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तरफ आपको मिलेगा 36 CP और एक तरफ आपको मिलेगा 40 SP। ये इस प्रकार का जो लिखते हैं इसके बाद का प्रोसेस है। ठीक, ये आपको धीरे धीरे जब आप सॉल्व करते जाओगे, बनाते जाओगे, तो ये चीज़ें भी आपको आने लगेंगी। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो CP/SP और ये हो जाएगा 40/36। ठीक, इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो ये 10/9 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग फिर से लिखेंगे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, CP - SP 1/ फिर से क्या हो जाएगा, 10 × 100। ठीक है, आपका 10% का हानि यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, अगला जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सेम क्वेश्चन मैं लेके चला हूँ। ठीक है, आपको लगेगा दोनों तो सेम क्वेश्चन है, बस दोनों को पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, एक में बोलता है कि जब वस्तु को आप 24 रुपये में बेचोगे तो उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, एक में क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है। यहाँ पे प्रतिशत हानि बताया गया है, ठीक है, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले इसके बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं कि बेसिक कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसके बारे में पहले लिख लो। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है पहले आप देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, 24 रुपये में बेचने पर यदि मैं वस्तु का विक्रय मूल्य को लिखता हूँ तो ये 24 रुपये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब यहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि माना जो वस्तु का CP है वो X रुपये है, तो इस प्रकार वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा जी, या फिर वस्तु पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 1%। प्रश्नानुसार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, आप चाहो तो किससे बनाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले, एक तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य / क्रय मूल्य / 100। ठीक है,
इसी को मैंने पहली क्लास में आपको सॉर्ट करके लिखने बताया था, जिसको हम लोग लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। आप चाहो तो इस फॉर्मूला को यूज़ करो, आप चाहो तो इस फॉर्मूला को यूज़ करो, ठीक है। मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। जब इसको हम लोग रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एस पी के जगह में 24, ठीक है, बराबर सी पी के जगह एक्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 100, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब पक्षांतर करते हैं, तो इस तरफ को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2400, ठीक है। अब इसी को आप देख रहे होंगे तो एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे एक साथ अरेंज करके, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2400 और इक्वल्स टू 0, ये आपका मिला एक वर्ग समीकरण। देखिए वर्ग समीकरण सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को सॉल्व करो, या फिर आप चाहो तो एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जिसके तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। पहली बात देखिए ये सब क्या क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे जो वर्ग समीकरण होता है, वर्ग समीकरण में एक्स के दो मान निर्धारित होते हैं, ठीक। अब उन्हीं दोनों का जब आप गुणा करोगे तो क्या मिलना चाहिए, 2400। माइनस में साइन, इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक राशि जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं तो 100 लिखा हुआ है, तो उन दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वो 100 के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ने पर 100 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब ये इंडिकेट करता है कि उसमें से बड़ी संख्या धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस मतलब बड़ी संख्या धनात्मक होगी, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, यदि कुछ दिक्कतें आती हैं तो बिल्कुल कमेंट करके हमको बताइएगा, हम इसको आपको फिर से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब वो जो दो संख्या होंगी, एक होगा 120x और एक होगा 20x, ठीक। 120 और 20 को आप गुणा करोगे, देखो 120 और 20 को गुणा करोगे तो ये आपको मिलेगा 2400, ठीक है। अब वहीं पे मैंने आपको बताया कि दोनों में से एक संख्या धनात्मक होगी एक ऋणात्मक होगी, तो देखिए एक को मैं माइनस 20 लिखा और एक को प्लस 120 लिखा। प्लस 120 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में क्या है, दोनों का योगफल है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग को 100 मिलना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा, ये आपका 2400 बराबर 0, ठीक है। अब इसी से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 120 और माइनस 20 x प्लस 120 बराबर 0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 120 और x माइनस 20 बराबर 0। यहीं से x के दो मान मिलेंगे, जो कि आपका एक ऋणात्मक रहेगा और एक क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक, कि वह जो मूल्य है या फिर वह क्रय मूल्य का मान 20 रुपये होगा, तो 24 रुपये में बेचने पर उसको क्या होगा, उतना ही प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, ठीक। आप चाहो तो देखो ट्रिकी के लिए दो तीन मेथड होते हैं, जैसे मैं आपको ट्रिकी के लिए बताऊं तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को आप याद रखना चाहो तो आप याद रखिए, ठीक है। यदि आपको याद होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो फॉर्मूला यदि आप याद रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, वो फॉर्मूला हर किसी को याद नहीं हो पाता है। डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है सी पी 10 × √25 प्लस एस पी माइनस 50, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो कि आपको मतलब बहुत सारे रेफरेंस बुक में ऐसे फॉर्मूला देखने को मिलते हैं, तो ये हर बार याद हो ये पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जब लाभ होगा तो इसको आप प्लस रखिए, ठीक है, जैसे ही हानि होगा ये आपका माइनस हो जाएगा। तो आपको कुछ समय के लिए लगेगा कि बहुत ही एक अच्छा मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है आप इस फॉर्मूले को याद रख पाते हो, तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, तो 10 × ये क्या हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे 24 दिया हुआ है माइनस 50, याद रखिएगा माइनस 50 इस रूट के बाहर का है, ठीक है। अब इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 × ये क्या हो जाएगा √49 माइनस 50, ठीक।
तो 10 इंटू 7 माइनस 50, तो 70 माइनस 50 इक्वल्स टू 20। ये इस प्रकार से आपका सॉल्व होता है, ठीक है। बाकी यदि आप इसका और एक अच्छा ट्रिक देखना चाहोगे तो देखियो, इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करने से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कई बार होता क्या है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहीं पे ऑप्शन लेके चलता हूँ, ठीक है, आपको फॉर्मूला तो क्लियर है, ठीक। आप इन दोनों को जैसे पहला ऑप्शन 10 लेके चलते हैं, तो यदि आप पहला ऑप्शन 10 लेते हो, ठीक है, 24 उसका एस पी है, सपोज हम लोग पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, एस पी 24 है, सी पी 10 है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, जाहिर सी बात है जब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो लाभ ही होगा, तो ये आपका क्या होगा 14/10 गुणित 100। 14 कहाँ से आया, क्लियर होगा, एस पी माइनस सी पी, ये 14 हो गया, ठीक। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 140%। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, ठीक है। सेकेंड की बात करें, 20 है, तो सेकेंड ऑप्शन को सपोज हम लोग ट्राई करते हैं, तो जब विक्रय मूल्य का मान 24 होगा, क्रय मूल्य का मान 20 होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/20 गुणित 100, तो 20 और ये 5, क्या आ गया 20%, ठीक है। तो देखिए 20 रुपए में जैसे ही हम लोग उस वस्तु खरीदेंगे और 24 रुपए में बेच देंगे तो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यहां तक हम लोग का सेकेंड वाला ऑप्शन जो है मिल चुका है, ठीक। तो पहला अभी तक मिल चुका है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखोगे तो ये विक्रय मूल्य से बड़ी राशि है क्रय मूल्य का मान, और जैसे ही बड़ी राशि होंगी तो वो कभी भी आपको लाभ प्रतिशत लाकर नहीं देगा, ठीक है। तो ये वहां पे क्या हो जाएंगी, हानियां हो जाएंगी, तो यहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि 20% होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपको बोला गया है कि हानि होती है, बेसिक से ट्राई करना चाहेंगे तो इसी प्रकार से आपका बेसिक बनेगा, बस यहाँ पे हानि प्रतिशत हो जाएगा और ये जो आपका इक्वेशन है वो एक आपको दूसरा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक, हानि प्रतिशत के लिए, कि हानि प्रतिशत जब कभी भी दिया हो तो दो मान मिलते हैं, ठीक है, दो मान मिलता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे आपके विकल्प के अनुरूप आप इसका आंसर करोगे, कई बार विकल्प में एक ही ऑप्शन दिया रहता है तो आप उसी को लेकर चलोगे, अन्यथा यहाँ पे जब कभी भी हानि होगा वहाँ पे दो वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसको जैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाभ के लिए बताया, तो 25 प्लस एस पी था, यहाँ पे माइनस एस पी हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे जो वैल्यूज हैं वो ऐसे रहेंगे, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 25 माइनस 24, ठीक, चलिए एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ये 10 हो गया इंटू, देखिए कितना हो जाएगा 1, ठीक, तो 1 का 1 ही होता है, माइनस 50। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 50 और ये आपका हो जाएगा माइनस 40, ये ऐसा हो, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका आ गया 40, ठीक, यहाँ पे आप माइनस में है तो ऋणात्मक होने पर ही हम लोग क्या बोलते हैं, हानि प्रतिशत हमेशा ऋणात्मक होती है, मतलब जब हम लोग को नुकसान होता है घाटा होता है तब उसको हम लोग लिखते हैं किस में, माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस हो गया 40%, ठीक, 40 रुपीस, ठीक है। अब इसी को जब आप दूसरा मान देखोगे तो 100 माइनस 40 भी आप करोगे तो जो मूल्य आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा उसका दूसरा मान, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, बेसिक से भी आप बिल्कुल इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं विकल्प को लेकर आपको सॉल्व करना एक बार बता रहा हूँ, ठीक। पहला ऑप्शन है 30, तो पहला ऑप्शन जब 30 है क्रय मूल्य का मान, विक्रय मूल्य 24 है, तो देखिए ये बड़ा है इससे, तो बड़ा होने की कंडीशन में क्या होगा, हानि, तो 6/30 गुणित 100, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5 टाइम्स और ये 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब 30 रुपये रहा तो 20%, तो ये तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। अगला देखते हैं 40 और 60, तो सबसे पहले 40 ले लेते हैं, तो जब 40 रुपये लेंगे, ठीक, तो हानि होगा 16, क्योंकि 40 में 24 घटेगा 16, ठीक, बटे क्या हो जाएगा 40 गुणित 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये 2 टाइम्स और ये, ठीक है, 5 टाइम्स और ये कितना, 8 टाइम्स, देखिए कितना आ गया 40%। इसी में एक और ऑप्शन है 60, तो 60 रुपये के लिए देखोगे तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 60 और 24 का अंतर कितना होता है जी, 36 अपॉन क्या हो जाएगा 60 और ये 100, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये कितना होगा 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, ये भी कितना आ गया आपको 60%, ठीक। तो जब 40 रहने पे 40%, 60 रहने पे 60%, मतलब उतना ही रुपये उसका क्रय मूल्य है जितना उसका हानि प्रतिशत है, उतना ही रुपये उसका क्रय मूल्य जितना उसका हानि प्रतिशत।
आप 80 के लिए चेक करना चाहोगे तो 80 के लिए भी आप चेक करके देख लो, ठीक। 80 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो दोनों का अंतर कितना होगा, 56, ठीक है। 80 और 24 का अंतर जो होता है वो 56 होगा, ठीक, बटे 80 गुणित 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको आप देखोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, 4, ये कितने टाइम्स, 1 और 4, तो 14 पंचे 70 क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी, 40 और 60। हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी हानि होगी उस कंडीशन में हमेशा दो मान मिलेंगे, लेकिन लाभ होने पर क्या होगा, लाभ होने पर हमेशा एक ही मान प्राप्त होता है, ठीक है। ट्रिकी वे में जाएंगे तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणित 25 प्लस माइनस करके आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखने का एक अच्छा तरीका होता है कि इसको हम लोग ऐसे याद रखें, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणित ये आपका हो जाएगा 25 प्लस माइनस SP माइनस 50, ठीक है। यहीं पर आपको क्लियर करके रखना है कि प्लस कब होगा, जब लाभ प्रतिशत होगा, और माइनस कब होगा, जब हानि प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं बुक्स में, बाकी आपको जिस कहीं भी जहां से भी मिले ऐसे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है, जनरली आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा, साथ ही यदि आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो लाभ हानि वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए एक बार बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो ट्रिक होता है उस ट्रिक के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लो मैं इसका बेसिक लेके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका माना चावल की प्रारंभिक कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, अर्थात ठीक 1 रुपये में खरीदी गई मात्रा क्या हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 रुपये में खरीदी गई मात्रा 1 किलोग्राम, तो 1 रुपये में खरीदी गई मात्रा 1/x किलोग्राम। अब इस लाइन को मेंशन नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं आपको बस समझाने के लिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार 77 रुपये में खरीदी गई मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 77/x किलोग्राम, ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये मात्रा है, अब किलोग्राम में इसका मतलब ये मात्रा होगा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसी के बाद हम लोग को बोला गया प्रश्नानुसार, देखिए क्या बोला जा रहा है प्रश्नानुसार, चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो 20% कमी मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि चावल की नई कीमत, तो चावल की नई कीमत जो होगी क्या हो जाएगी, सीधा लिख रहे हैं, ठीक, 20% कमी मतलब 80x/100, ठीक है। देखिए 100 उसका प्रारंभिक मान था, 20% कमी मतलब 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80/100, ठीक। इसको हम लोग यदि लिखते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको यदि हम लोग लिखें तो ये मिलेगा आपको 4x/5 रुपीज़ पर kg, ठीक, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यदि हम लोग इसको अर्थात करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x/5 रुपीज़ में खरीदी गई मात्रा 1 kg, कर सकते हैं 4x/5 रुपये पर kg, मतलब क्या है, 4x/5 रुपये में 1 किलोग्राम, तो 1 रुपये में क्या हो जाएगा, 5/4x किलोग्राम, तो 77 रुपये में 77×5/4x/kg, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये आपको मिल गया कि नए कीमत में वो कितने चावल खरीद पा रहा है, इसके बाद क्या होगा आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। देखो पुनः प्रश्नानुसार क्या बोलना चाह रहा है, 3.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद पाता है, मतलब जो है चावल का मूल्य कम होगा तो 3.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो ज़्यादा किससे खरीदेगा, जो वो पहले खरीदा रहेगा उस राशि से या फिर उस मात्रा से ज़्यादा मात्रा खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहोगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा 77×5/4=77/x, ठीक, प्लस 3.5, यह ऐसा हो जाएगा, पहले के द्वारा खरीदी गई मात्रा
प्लस कितना हो जाएगा 3.5 किलोग्राम बराबर नई कीमत पर खरीदी गई मात्रा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे फिर से, तो 77 × 5/4x माइनस 77/x बराबर 3.5, यस हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4x, ये क्या होगा 77 × 5 माइनस 77 × 4 इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, इतने को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 77। ठीक, ये आपका 77/4x बराबर 3.5, तो x बराबर जब हम लोग लिखेंगे आपको मिल जाएगा 77/4 × 3.5। ठीक है, चलिए दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चले जाएगा। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 और ये कितना होगा, ठीक है 22। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा 35 × 70 35 × 70। ठीक, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 2 times और ये 11 times, तो 11/2 आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया। ठीक, अब x का मान मिल गया, क्लियर है, x का मान मिला 11/2 रुपये, तो हम लोग को नया कीमत निकालना है। ठीक है, तो नया कीमत जब आप निकालोगे तो नया कीमत बराबर क्या हो जाएगा, ठीक हम लोग क्या लिखे, नया कीमत 4x/5, तो उसी में रखेंगे तो 4 × 11, ठीक है ये ऐसा हो जाएगा, अब 5/2। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 44/10 और आपको कितना मिल जाएगा 4.4 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो 4 रुपये 5 रुपये 4.5 रुपये और 5.50 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4.4 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये नया ना होकर ये शायद मूल कीमत लिखा होगा। ठीक है, तो मूल कीमत यदि लिखा रहे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 5.50 रुपये। ठीक है, अब इस प्रकार इसका जो आंसर होगा कितना होगा 5.50 रुपये, या नया कीमत यदि बोला जाए तो इसका आंसर होता 4.4 रुपये। ठीक, ये कुछ होता, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेसिक पैटर्न कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नया कीमत आया 4.4 रुपये और जो पुराना कीमत है वो कितना आया 5.5 रुपये। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन सा, बेसिक मेथड। ठीक, अब इन्हीं दोनों को हम लोग एक बार ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक, नया भाव, तो नया भाव बराबर होता क्या है, ठीक तो नया भाव बराबर हो जाएगा कीमत गुणित प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक है, बटे होता है, अब यहीं पे आप देखोगे तो बटे क्या होगा, ये जो अधिक या कम मात्रा, ठीक अधिक या कम मात्रा गुणित 100। ठीक है, यहीं पर यदि आपको पुराना भाव बोला जाए तो पुराना भाव के लिए याद रखिएगा ये हो जाएगा कीमत गुणित प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम मात्रा गुणित 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। ठीक है, याद रखिएगा जब वृद्धि होगी, जैसे ये यहाँ पे क्या बोला गया कमी, तो कमी होने पर माइनस का चिन्ह लेंगे और वृद्धि होने पर प्लस का। ठीक है, एक बार इसी को देख लेते हैं कि ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो नया मूल्य के लिए क्या होगा, कीमत कितना है इसमें 77 × प्रतिशत वृद्धि या कमी, देखते हैं क्या दिया हुआ है 20% की कमी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 20। ठीक है, अधिक या कम मात्रा, देखो इसमें कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 × यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। इतने को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे दशमलव है, जीरो लगा देते हैं तो 35 × 2 और ये 2, इतना आ जाएगा 20/5। ठीक है, आपको मिल जाएगा 22/5 जो कि आपको मिलेगा 4.4 रुपये। ठीक है, बेसिक से हमने निकाला था किसका नया भाव कितना था 4.4 रुपये, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, पुराना भाव की बात करें तो कीमत है आपका 77 रुपये गुणित प्रतिशत वृद्धि या कमी है 20, ठीक अधिक या कम मात्रा 3.5। अब देखिए यहाँ पे कमी बोला गया है तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 22 times और ये क्या हो जाएगा 4 times। ठीक, आपको मिल जाएगा 22/4 मतलब 5.4
5 रुपये, ठीक है। इसको भी हम लोग बेसिक से जब सॉल्व किए थे तो ये पुराना भाव मिला था आपको 5.5 रुपये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं ट्रिकी के मेथड से, आप इसको बेसिक से एक बार बना के देखिएगा, ठीक। 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलता है, ठीक है। क्या बोला, ज्ञात कीजिए वह वस्तु पहले किस भाव पर मिलता था। तो पहले किस भाव पर मतलब पुराना भाव की बात किया, ठीक है। तो कीमत कितना है, 500 रुपये, वृद्धि या कमी, देखो सस्ती बोल रहा है, सस्ती मतलब कमी, ठीक। तो क्या हो जाएगा 20 बटा, अधिक या कम मात्रा तो क्या है 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणी 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, सस्ती हुआ तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, तो आपका 80 हो गया, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये 4 हो गया, 5 का 100 और ये क्या हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 है ऑप्शन में, 25 रुपीज, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में पुराने भाव नया भाव की बात करता, तो नए भाव की बात करता तो 500 गुणित 20, अधिक या कम मात्रा कितना है देख लीजिए, 5 गुणित क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 20 × 6 100 और ये क्या होता 100, ये कितने टाइम 20, ठीक है। तो आपका आंसर आता 20 रुपये, ठीक। ये उसका पुराना भाव, ठीक है। यदि नया भाव की बात किया जाता है इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर आता 20 रुपये। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप चाहो तो बेसिक के थ्रू सॉल्व करके देखिए, या फिर आप चाहें तो इनको ट्रिकी के थ्रू सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक। दोनों में बस कॉमन डिफरेंस ये होता है ट्रिकी में कि नया भाव जो होता है कीमत प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों का गुणनफल, और नीचे में क्या होता है अधिक या कम मात्रा गुणित 100, जबकि पुराना भाव होता है कीमत गुणित प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिक या कम मात्रा गुणित 100 के साथ में प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो आपको, ठीक, बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।